अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। सर कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में परसों रात में एक कंप्लेंट आया, दो बच्ची का ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ बोल के। वो बच्ची का मामू कंप्लेंट दिए, बच्ची को एग्जामिन करे तो वो बच्ची के साथ, बच्ची एक साल से चल रहा वो काम। वो बच्ची 1 ईयर पहले जब वो 8th क्लास में था, जब 7th क्लास बच्ची के बच्ची के साथ फ्रेंडशिप हुआ, वो बच्चा के साथ फ्रेंडशिप हुआ, फिर बच्चा फ्रेंडशिप करके लव है बोल के वो बच्ची का ऊपर एक बार सेक्सुअल असॉल्ट करा। उसका बाद में बच्चे का फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस करा, वो बच्चा भी ये बच्ची के साथ 2-3 बार सेक्सुअल असॉल्ट करा। उसका बाद में बच्ची का बहन भी रहता, छोटा बहन, वो बच्ची को भी फ्रेंड्स में इंट्रोडक्शन हुआ। उसका बाद में बड़ा बच्ची का ऊपर 4 बार करा, 4 फ्रेंड्स, छोटा बच्ची के ऊपर एक ही आदमी 1 बार करा सेक्सुअल असॉल्ट, ये बोल के एग्जामिनेशन में मालूम हुआ। इमीडिएट केस रजिस्टर करे, पॉक्सो एक्ट में रेप सेक्शन डाले। इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स वो 5 एक्यूज्ड को पकड़ के आज रिमांड कर दिए। सर ये होन सिस्टर है सर? वो सगी बहन है सर। ये जो 5 एक्यूज जो है सर, इसमें मेजर कुछ है? इसमें मेजर 5 एक्यूज में 2 आदमी मेजर है, 3 आदमी माइनर्स है, जिसमें 2 स्टूडेंट्स है, सब बाकी 3 लोग छोटा छोटा काम करने वाला है। मगर वो 5 आदमी वो कामाटीपुरा एरिया लिमिट्स में रहता, फतेह दरवाजा उस्मान बाग नियर वजीर अली मास्क में, नियर वजीर अली मास्क एरिया में रहने वाला। सर मेजर जो है वो लोग स्टूडेंट्स है सर? उसमें 1 आदमी स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर पढ़ रहे सैफ बोल के, और 1 आदमी शफीक है, उनका उम्र 20 ईयर्स है, उन्हें की मैक है, ताला बनाना वाला है। एडवाइस वो बच्ची का क्या है, वो पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स मीन्स मदर थोड़ा इल हेल्थ है, फादर इंतकाल हो गया, मामू के पास रहते हैं बच्ची दोनों, वो थोड़ा सुपरविजन कम है मेरा, वो क्या सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो वास्ते वो ट्यूशन का जाने के टाइम में कौन है फ्रेंड्स, किसके साथ चल रहे, क्या है मोमेंट्स, थोड़ा अलर्ट रहना। मैं रिक्वेस्ट है पब्लिक को अलर्ट रहना, किसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे, क्या कर रहे, क्या टाइम पे जा रहे, क्या टाइम पे आ रहे, थोड़ा निगाह रखना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक, थोड़ा मोहल्ला पब्लिक को मेरा रिक्वेस्ट यह है, वो बच्चों के ऊपर थोड़ा नज़र रखना, क्या टाइम पे जा रहे, क्या टाइम पे आ रहे, उनका दोस्त कौन है, थोड़ा बच्चा से दोस्तान कर रहे, सोशल मीडिया में क्या देख रहे, वो पूरा ऑब्जर्व करते रहना, वो बच्चों का मोमेंट्स में नज़र रखना, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।